हम सब हमेशा उदास क्यों रहते हैं? दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्ट्रीट में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपकी भी उदासी दूर हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग हर वक्त उदास रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लेकर चिंता भावना करते हैं। उस चिंता भावना उदासी में छा जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, उदासी, मायूसी, निराशा हमारे जीवन में खुशियों को छीन लेती है। एक बार की बात है, एक राजा वन से जा रहा था। घने जंगल थे, वहां से जा रहा था। उस घने जंगल में एक कुटिया थी जिसमें एक साधु था। साधु ने उस राजा को देखा, काफी उदास है, उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई है। साधु ने उस राजा से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? उस राजा ने कहा, पता नहीं महाराज, मैं हर वक्त उदास ही रहता हूँ, क्या करूँ, कुछ उपाय बताइए। साधु ने कहा, तुम उदास रहते हो? क्यों उदास रहते हो? मनुष्य को तो कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ आती है, खराब परिस्थितियाँ आती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब हमेशा उदास रहे। भगवान ने, ईश्वर ने हमें सब चीज दिए हैं। बोलने को मुंह दिया है, देखने को आंख दिया है, दो हाथ दिए हैं, दो पांव दिए हैं, फिर भी हम सब बहुत उदास रहते हैं। राजा ने कहा, हाँ महाराज, पता नहीं क्यों मैं हमेशा उदास रहता हूँ। उसी वक्त उन जंगलों में कुछ परिंदे थे जो काफी चहचहा रहे थे। साधु ने कहा, राजा, उस परिंदे की तरफ देखो, उस परिंदे को देखो, वो सब कितने खुश हैं, उनके चेहरे पे उदासी नहीं होती, उनके पास एक तिनका के अलावा कुछ नहीं है। तूफानों में भी डट कर खड़े रहते हैं, तूफानों में भी अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। चिड़िया हर वक्त मुसीबतों का सामना करते हैं, हवाओं को, तूफानों का, बारिश का, धूप का, फिर भी वो हमेशा चहचहाते रहते हैं। फिर हम मनुष्य क्यों उदास रहते हैं? गौर करो। राजा ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? इसका क्या मूल मंत्र है? साधु ने कहा, यही इसका मूल मंत्र है, उदासी का एकमात्र मूल मंत्र है। इसका कोई उपचार नहीं, लेकिन एक मंत्र है, हमेशा खुश रहो, इन परिंदों के जैसे चहचहाते रहो, हमेशा खुश रहो, हर परिस्थिति में भी खुश रहो। अगर खुश रहोगे तभी खुश रहोगे, अगर हमेशा उदास रहोगे तो जिंदगी उदासी में ही बीत जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की प्रेरणादायक कहानी। उस साधु ने उस परिंदे को सीख देकर राजा को कुछ सिखाया, उसकी उदासी दूर की। राजा ने कहा, हाँ महाराज, आपने ठीक कहा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी उदासी भी दूर हुई होगी इस कहानी को सुनकर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।